इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच जो पहला ओडीआई मैच खेला गया है उसी का ही हाइलाइट्स हम देखेंगे आज। और उसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया जिम्बाब्वे के साथ आज जो व्यवहार किया है वो एकदम अनुचित था। जी हाँ दोस्तों, खेल में एक कंपटीशन होगा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज की मैच में जिम्बाब्वे स्टार्टिंग से ही अंडरडॉग था। लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद जिम्बाब्वे ने अपने आप को संभाल लिया और एक अच्छी फाइटिंग टोटल जिम्बाब्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के सामने रखा। और टीम इंडिया कैसे वो चेस करते हैं, कितना विकेट गिरता है, कौन सी बैट्समैन कितना रन करते हैं, उसको लेकर आज का होगा ये हाइलाइट्स। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हाइलाइट्स। दोस्तों जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का ये जो ओडीआई सीरीज है ये जिम्बाब्वे में खेला जाएगा और ये होगा 3 मैच का ओडीआई सीरीज। दोस्तों जिम्बाब्वे आयरलैंड के साथ आप बैक टू बैक मैचेस देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आईसीसी का एक रूल। इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के साथ साल भर खेलते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे टीमों के साथ बैक टू बैक खेलने इसका कारण है 4 साल में मिनिमम एक बार टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ खेलना होगा हर एक टेस्ट प्लेइंग नेशन को। और जिम्बाब्वे के साथ पिछले 4 साल में पहले बार के लिए खेला जा रहा है और आयरलैंड के साथ भी वैसा ही है। दोस्तों टीम इंडिया से सीनियर खिलाड़ी जो है सबको चांस यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी रेस दिया गया है। सामने ही है T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप, उनके लिए बचा के रखा जा रहा है T20 के स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बल्लेबाज। इन सब मैच के कारण वहाँ पर मतलब टीम इंडिया पर हानि ना पहुँचे ये देखने वाली बात है। दोस्तों इसलिए आज टीम इंडिया का जो प्लेइंग 11 था वो प्लेइंग पूरी तरह से एकदम नया ही था, नया मतलब नया कॉम्बिनेशन के साथ। केएल राहुल कप्तान, उसके बाद शिखर धवन, शुभमन गिल, ईशान किशन, दीपक हुडा, संजू सैमसन जो कि विकेट कीपर थे, अक्षर पटेल, दीपक चाहर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज। दोस्तों इससे पहले ओडीआई सीरीज में हम देखे थे शिखर धवन को कप्तानी करते हुए, हालांकि तब केएल राहुल चोटिल थे इसलिए नहीं खेल पाए, लेकिन आज के मैच में केएल राहुल ही कप्तानी कर रहे थे। और दोस्तों टॉस था, टॉस के समय केएल राहुल जीता टॉस और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग लेने का फैसला लिया। दोस्तों जिम्बाब्वे का ये होम सीरीज था, 3 मैच का होम सीरीज खेला जाने वाला था और ये था पहला मैच। दोस्तों जिम्बाब्वे से इनिंग स्टार्टिंग किया इनोसेंट काया और मरुमणि, और बॉलर यहाँ से शुरुआत किया दीपक चहर। दोस्तों शुरुआती में ओपनिंग बैट्समैन जो था वो दोनों ही बहुत धीरे तरीके से रन बना रहे थे, लेकिन दोस्तों रन जिम्बाब्वे के स्कोर बोर्ड में ऐड होता जा रहा था क्योंकि वाइड बॉल में 4 रन लेग बाई और बैक टू बैक वाइड तो हो ही रहा था। इसी वजह से 7वें ओवर तक जिम्बाब्वे का रन बना 25 और तभी जिम्बाब्वे का पहला विकेट गिरा इनोसेंट काया। जी हाँ दोस्तों, और उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए थे और 20 बॉल खेले थे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद बैटिंग पे आते हैं वेस्ली माधवरी। असल में पहले जो जिम्बाब्वे के बैट्समैन था 4 विकेट गिरने तक कोई भी बैट्समैन ठीक ठाक से नहीं खेल पा रहा था, तो उसके बाद 9वें ओवर पे मरुमणि भी आउट हो जाते हैं, 26 रन पे 2 विकेट हुआ। इसके बाद शेन विलियमसन आते हैं बैटिंग करने और वो भी 10वें ओवर पे आउट हो जाते हैं, और तीनों के तीनों ये जो विकेट था ये विकेट लेने वाले थे दीपक चहर। इसके बाद 11वें ओवर पे माधवरे वो भी आउट हो जाते हैं, स्कोर हुआ 31-4 या दोस्तों 25-1 से 31-4। इसके बाद सिकंदर राजा और कप्तान रगीस चकवाई ये दोनों मिलकर पारी को संभाल रहे थे, चौका सिंगल्स और डबल्स पे ये लोग खेल रहे थे, लेकिन रन तेजी से नहीं बन रहा था। और 17वें ओवर पे सिकंदर राजा भी आउट हो जाते हैं, 66 पे 5 विकेट हो जाता है जिम्बाब्वे का स्कोर। रैन बाल्ड भी आते हैं, वो भी 22वें ओवर पे आउट हो जाते हैं, 83-6। और इसके बाद 27वें ओवर पे कप्तान भी आउट हो जाते हैं, कप्तान को आउट करते हैं अक्षर पटेल, कप्तान ने बनाया था 35 रन और यही आज के मैच का जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर है। और उसके बाद क्या, सब लोग सोच रहे थे 100 में सब आउट हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों नहीं, 9 नंबर और 10 नंबर ये दोनों बैट्समैन ब्रैड इवांस और रिचर्ड नगरावा ये दोनों 33 और 34 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने ज्यादा रन नहीं बनाने दिया और एक के बाद एक विकेट चटका दिया। जहाँ पर 110 पे 8 विकेट था तब से 180 रन पे 9 विकेट गिरा, ये 70 रन की साझेदारी जिम्बाब्वे को चाहिए था और 189 पे ऑल आउट हो जाते हैं जिम्बाब्वे। बॉलिंग में देखें तो दीपक चहर, प्रसिद्ध कृष्णा और अक्षर पटेल 3-3 विकेट चटकाए थे, मोहम्मद सिराज 1 विकेट और कुलदीप यादव कोई भी विकेट
चटका नहीं पाए थे। दोस्तों इसके बाद बैटिंग करने आए टीम इंडिया, शिखर धवन और शुभमन गिल। दोस्तों और वहां से बॉलिंग फेंका जा रहा था, और बॉलिंग भी क्या बॉलिंग, एकदम नॉर्मल सी बॉलिंग हो रहा था जिम्बाब्वे की ओर से। दोनों ने पहले बॉल से ही चौका मारना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, पहले ओवर में टीम इंडिया ने बना लिया था 8 रन, दूसरे ओवर पे बना लिया था 14 रन। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद सिंगल्स डबल्स की मदद से तीसरे ओवर पे 19 रन, चौथे ओवर पे 25 रन, मतलब 6 के ऊपर अवसर था टीम इंडिया की। टीम इंडिया उतना टेंशन नहीं ले रहा था, अपने आप को समय दे रहा था शुभमन गिल और शिखर धवन सेट करने के लिए। ऐसे तैसे सिंगल्स और डबल्स पे खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों पहले ओवर के बाद सेकंड चौका आया 9वें ओवर पे, जहां पर शिखर धवन ने मारा चौका, और उसके बाद भी सिंगल्स डबल होते होते 10 ओवर में इंडिया का रन हो गया 43। लेकिन दोस्तों 13वें ओवर से शुभमन गिल ने शुरू किया अपना जलवा, चौके पे चौका मारता गया शुभमन गिल, और 15वें ओवर पे 79 पे 0 था। क्या पता था जिम्बाब्वे को कि इंडिया की कोई भी विकेट हाथ ही नहीं आएगा जिम्बाब्वे के बॉलर को। जिम्बाब्वे लगभग पूरे स्क्वाड को बॉल दे दिया। या दोस्तों 8 बॉलर ने मिलके बॉल किया, लेकिन सभी का जो इकोनॉमी था मिनिमम 5.5 और उसके ऊपर। किसने दिया 1 ओवर पे 12 रन, किसने 2 ओवर पे 16 रन, ऐसे करके शिखर धवन को हुआ था 50 रन 19वां ओवर पे, और उसके बाद शुभमन गिल ने भी अपना 50 रन पूरा कर लिया थोड़े धीरे से। लेकिन दोस्तों शुभमन गिल 50 रन करने के बाद पूरी तरीके से खोल कर खेलने लगा, जहां पर शिखर धवन 81 रन बनाए 113 बॉल खेल के, वहां पर ही शुभमन गिल 82 रन बनाए थे 72 बॉल्स खेल के। शुभमन गिल ने पूरे मैच में एक ही छक्का मारा था, शिखर धवन ने कोई छक्का नहीं मारा था। दोस्तों इजी मैच जीत गया टीम इंडिया, सिर्फ 30 ओवर में ही जीत गया था, और वहां पर दीपक चार के अच्छा इकोनॉमी रेट और साथ में अच्छे बॉलिंग के चलते, मतलब 3 विकेट जहां पर ले लिया था जो कि सेट बैट्समैन था, इसी वजह से दीपक चार को दे दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच। दोस्तों इसके बाद दूसरा जो मैच होगा इस ओडीआई सीरीज की, ये होगा 20 तारीख पे ही, और वो होगा इसी मैदान पे। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके दिए गए कमेंट का।